कई दिनों से जारी हड़ताल के बाद आखिरकार नॉर्थ एमसीडी के कुछ यूनिट के कर्मचारी अपने अपने काम पर लौट गए हैं। हालांकि अभी भी कुछ कर्मचारी पूरे वेतन की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। आपको बता दें कि ये कर्मचारी 7 जनवरी से हड़ताल पर थे। उनकी मांग थी कि जब तक उनका बकाया वेतन जारी नहीं होगा वह काम पर नहीं लौटेंगे, जिसके बाद नॉर्थ एमसीडी के मेयर जयप्रकाश ने बताया कि उन्होंने सभी कर्मचारियों का अधिकतम वेतन जारी कर दिया है बकाया वेतन जारी करते हुए मेयर ने निगम कर्मियों से अपील करते हुए कहा कि सभी निगम कर्मी अपने अपने काम पर लौट जाएं और मुश्किल परिस्थितियों में सरकार का सहयोग करें। दिल्ली नगर निगम का जो हड़ताल खत्म हो गया है और वो कैसे खत्म हुआ है उस संदर्भ में जो है आप आम जनता को बताइए। देखिए, नगर निगम के अंदर आर्थिक संकट के कारण से हमारे कर्मचारियों को जो वेतन है वो रेगुलर उन्हें नहीं मिल रहा था, जिसके कारण से वो परेशान थे। किसी कर्मचारी का 3 महीने का, किसी का 2 महीने का, किसी का 4 महीने का वेतन बकाया था। और कोई भी कर्मचारी अगर काम करता है तो वेतन मांगने के लिए प्रोटेस्ट करना या अपनी बात रखना, ये जायज बात है। लेकिन जिस समय संकट के बादल हो उस समय परिवार का साथ देना भी एक जिम्मेदारी वाला काम होता है। तो अभी पिछले महीने हमने काफ़ी संघर्ष किया कर्मचारियों के वेतन के लिए। मैंने 13 दिन तक धरना दिया मुख्यमंत्री निवास के बाहर, 3 दिन तक भूख हड़ताल भी की। 13,000 करोड़ रुपये जो तीनों निगमों का दिल्ली सरकार ने रोका हुआ उसके लिए हमने संघर्ष किया, जो संघर्ष अभी तक जारी है। लेकिन दिल्ली सरकार ने अभी तक हमारा पैसा दिया नहीं। यकायक दिल्ली के उप मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं कि हम 938 करोड़ रुपये निगमों को दे रहे हैं सिर्फ सैलरी के लिए, उस पैसे का भी अता पता नहीं है। लेकिन हमने अपना राजस्व को अर्जित किया, हम लोगों के बीच में गए, हम माफ़ी योजना लेकर आए, हमने जहाँ जहाँ से भी हम कर सकते थे हमारा 3rd क्वार्टर का पैसा आया, उन सबको जब जोड़ा तो मैक्सिमम सैलरी हमने अपने कर्मचारियों को जारी करी। सफाई कर्मचारियों को हमने दिसंबर तक का वेतन दिया, हमारा जो हेल्थ विभाग है उनका सबका हमने दिसंबर तक का वेतन जारी किया। उसके अलावा जो हमारे अन्य कर्मचारी है, जो डॉक्टर्स हैं उनका अक्टूबर नवंबर तक का हमने वेतन दिया, जो उसके अलावा और जितने कर्मचारी बचे हैं उन सबको सितंबर तक का वेतन दिया, चाहे टीचर हैं, चाहे हमारे अन्य CD कैटेगरी के हैं, चाहे हमारे इंस्पेक्टर हैं, चाहे हमारे A ग्रेड के अधिकारी हैं, हमारे जितने भी पेंशनर हैं उनको भी हमने जुलाई तक की पेंशन दी है, उनको भी और जल्द पेंशन मिले। तो लगातार जब उनको विश्वास जगा कि उनके लिए सकारात्मक दृष्टि सकारात्मक काम हो रहा है, सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं, और नगर निगम इस बात के लिए संवेदनशील है और चिंताग्रस्त है कि सभी कर्मचारियों को वेतन मिले और उनकी जो और अन्य जो इशू हैं वो हल हों, तो उस पर हमने बैठ के अच्छे से काम किया। और सभी यूनियंस हैं उनके साथ हमने अलग अलग समय पर मीटिंग करी, सबको बुलाया, सबको समझाया, उनकी बात को भी अच्छे से सुना, उनकी बातों को गंभीरता से लिया, उनको विश्वास दिलाया और समयबद्ध तरीके से उनकी अन्य समस्याओं का भी समाधान निकले, इसके लिए हमने अच्छे से काम किया। तो हमारे सभी कर्मचारियों ने मिलकर के और हमने मिलकर इस हड़ताल को खत्म कराया। सर, दिल्ली के अंदर जो कूड़ा 20-25 दिन से जो इकट्ठा हो रखा है तो ये कितने दिन में ये पूरा जो है ख़त्म हो जाएगा? देखिए, एक दिन की बात करें तो उत्तरी दिल्ली नगर निगम में लगभग 4,000 से 4,400 मीट्रिक टन कूड़ा रोज निकलता है, जो अलग अलग हमारे लैंडफिल पर हमारे जो प्रोजेक्ट है, चाहे वो नरेला का है, चाहे भवाना का है, या अन्य स्थानों पर जाता है, जिसको हम सेग्रीगेट करके उसका उपयोग करते हैं। अब 20 दिन का कूड़ा तो इसका मतलब काफ़ी मात्रा में कूड़ा सड़कों पर है और काफ़ी कूड़ा है जो वाहन चलने के कारण से जम भी गया है। आज मैं खुद एक जगह जहाँ कूड़ा उठवाने गया था तो वहाँ पर कूड़े की एक लेयर पूरी सड़क पर बन गई है जिसको खुर्चा जा रहा है। तो मोटा मोटा कूड़ा लगभग सबसे सब जगह से उठ गया है। अगर आज की बात करें तो 20,000 मीट्रिक टन कूड़े से ज़्यादा हम उठा चुके हैं और 2 से 3 दिन में मुख्य स्थानों से सब जगह से कूड़ा रिमूव हो जाएगा। कुछ हमारे कर्मचारी अभी भी काम पर लौटे नहीं हैं, तो आपके माध्यम से मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ कि हम किसी भ्रम में ना आए, हम किसी के भरगलाने में ना आए। सभी सफाई कर्मचारी अन्य कर्मचारियों के हितों की लड़ाई को मैं खुद आगे बढ़कर लड़ रहा हूँ, आपके सभी मुद्दों को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सब मेरा साथ दें ताकि हम एक अच्छी स्वस्थ स्वच्छ दिल्ली बना सकें। नॉर्थ एमसीडी के मेयर जयप्रकाश ने 1 फरवरी को वित्त मंत्री द्वारा पेश हुए बजट का स्वागत करते हुए सरकार का धन्यवाद दिया। मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ और बधाई भी देना चाहता हूँ देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी।
जिन्होंने आज अपने इस नारे को सार्थक किया है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और इस पूरे बजट में सभी वर्गों को किस प्रकार से समाहित करके देश का विकास किया जा सकता है ये बताया गया है। इस बजट के अंदर दो शब्दों में पूरा बजट पूरा होता है कि यह बजट आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाएगा, हमारे को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करेगा और देश आगे और तरक्की करे, देश में विकास की धारा और तेजी से बहे उसमें सहयोग करेगा। तो मैं हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ और प्रधानमंत्री जी का तो धन्यवाद है ही, क्योंकि उनके कारण से ही हम देश को आगे बढ़ा पा रहे हैं। और पिछले वर्ष जिस प्रकार से कोविड काल से हम निकल कर आए हैं और हमारी अर्थव्यवस्था ने गति पकड़ी है, ये उनकी दूरदर्शिता का दर्शाती है। तो इस बजट का मैं स्वागत करता हूँ और मुझे लगता है कि आने वाला वर्ष हमारे देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा।